गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट वन के पेपर थ्री का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने मेरे पिछले लेक्चर्स में आपने सेल का इंट्रोडक्शन, कोशिका का परिचय, इसके बाद में कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर, इसके बाद में प्लाज्मा लेमा का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। अब हम आते हैं कोशिकांगों के अध्ययन के बारे में, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम आते हैं। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अध्ययन करेंगे। कोशिकाओं में जीव द्रव्य के केंद्र के बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ये एक मिश्रित, एक लिक्विड व्यवस्था है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, वो सेल ऑर्गेनेलीज, रिक्तिकाएं एवं कुछ निर्जीव पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। और जो ये कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा झिल्ली से बंधा हुआ रहता है, उससे घिरा हुआ रहता है। तो कोशिका द्रव्य को हम मोटे तौर पर चार भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं एक को हम कहते हैं सेल इंक्लूजन्स, और इन जो विभिन्न प्रकार के जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, इसके बाद में आती है वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स जंतुओं एवं पौधों की कोशिकाओं में सामान्य रिक्तिकाएं होती हैं। ये छोटे या बड़े आकार की हो सकती हैं। तो साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, मिनरल सॉल्ट्स इत्यादि पाए जाते हैं, और इसको हम एंडोप्लाज्म भी कहते हैं। इसके बाद में आते हैं इंक्लूजन्स। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ आते हैं। फिर आती हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो हैं जंतुओं एवं पौधों की कोशिकाओं में सामान्यतः ये वैक्यूल्स होती हैं, जिनकी जो साइज है वो छोटी या बड़ी हो सकती है, और इनकी संख्या एवं उपस्थिति जो है वो कोशिका की बायोकेमिस्ट्री पर निर्भर करती है, और कोशिका विभाजन के समय हमें ये दिखाई नहीं देती है। जो वैक्यूल्स हैं ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन से बंधी हुई रहती हैं, जिसको हम वैक्यूलर मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इन रिक्तिकाओं में फूड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, तो इनको फूड वैक्यूल्स भी कहते हैं। प्लांट्स में ये बहुत बड़ी साइज में होती हैं, और ये कोशिकाओं में बहुत बड़ा एक स्थान ऑक्यूपाई करती हैं। और ये रिक्तिकाएं जल की मात्रा एवं वेस्ट प्रोडक्ट अधिक हो जाने पर कोशिका द्रव्य के बाहर फेंक देती हैं। इनमें जो द्रव्य पाया जाता है वैक्यूल्स में, उसको हम वैक्यूलर सैप कहते हैं, और उस वैक्यूलर सैप में विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स, शुगर, यूरिक एसिड इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। तो वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेल का पार्ट है। इसके बाद में आते हैं ऑर्गेनेलीज और कोशिका। जीवों की प्रत्येक कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इनकी संरचना, संगठन, संख्या, किस प्रकार के ये होते हैं, ये जो चीजें हैं ये इनके आधार पर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भेद करते हैं, जो कि हमने हमारे पिछले एक लेक्चर में पढ़ा भी है, डिफरेंसेस बिटवीन यू स्ट्रक्चर एंड डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। हमने एक लेक्चर पढ़ा है, आपने सुना होगा उसको, उसमें हमने इसके बारे में बताया है। और उनमें जो अंतर का मुख्य कारण है वो है इन सेल ऑर्गेनेल्स की संरचना, इनका संगठन, इनके प्रकार, इनकी संख्या, इनका आकार इत्यादि। और कोशिकाओं में होने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं, वाइटल एक्टिविटीज जो हैं, वो इन्हीं कोशिकांगों में होती हैं। अब हम इन्हीं कोशिकांगों का विभिन्न लेक्चर्स में हम अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या अंतःप्रद्रव्यी जाली का। कोशिका के इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में पोर्टर क्लॉडे
एवं फुलन ने 1945 में सबसे पहले कुछ फीते के समान ट्यूबुल्स और वेसिकल्स का अध्ययन किया 1945 में। इसके बाद 1953 में पोर्टर ने इनका नाम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा। अब आता है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और ए ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो एंडोमेम्ब्रेन्स होती हैं वो चिकनी होती हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं होता है, और वो डिपोजिशन होता है राइबोसोम्स का। तो इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है ये विशेषतया स्टीरॉइड्स संश्लेषित या स्रावित करने वाली कोशिकाओं, या जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और लिपिड बायोसिंथेसिस में जो जिन कोशिकाओं में होता है, उन कोशिकाओं में इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए जो ये वाली जो SER है ये एडिपोज सेल्स में ज्यादा पाई जाती है, एडिपोज सेल्स जहां पर की लिपिड का संश्लेषण होता है। ग्लाइकोजन संग्रह करने वाली कोशिकाओं, यकृत कोशिकाओं में जो लिवर सेल्स होती हैं जहां पर की ग्लाइकोजन का संग्रह होता है, वहां पर भी ये जो है SER जो है ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इनका पाया जाना जो कहाँ कहाँ है, ये पाई जाती है एडिपोज टिश्यू में एंड लीवर सेल्स में, कहाँ पे, एनिमल्स में। और वैसे ये जो है जहां पर की स्टेरॉइड संश्लेषित या स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं वहां पर ये पाई जाती है। दूसरा है रफ और ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें राइबोसोम्स फंसे हुए रहते हैं जो कि आवेश युक्त सूक्ष्म कणिकाओं जैसे प्रतीत होते हैं। अभी हम आगे इसका डायग्राम देखिए। प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय अधिकांश कोशिकाओं में जहां पर प्रोटीन संश्लेषण होता है वहां पर जो कुछ जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण में जो भाग लेती है वहां पर ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वहां पर पाई जाती है, और खुरदरी और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका भी संयुक्त रूप से भी। अब आती है इनकी मॉर्फोलॉजी। आकार परिमाण के अनुसार अंतःप्रद्रवी जालिका में अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इनको हम इस प्रकार से तीन भागों में बांट सकते हैं। वेसिकल्स, ये 25 से 100 माइक्रोन म्यू माइक्रोन व्यास की गोलाकार या अंडाकार वेसिकल्स होती है, थैलियों की तरह स्ट्रक्चर होती है ये। दिस इज ये प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में बहुतायत से पाई जाती है। इसके ऊपर ये राइबोसोम्स हमने दिखाए हैं यहाँ पे इस डायग्राम में। दूसरा है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये लंबी चपटी अनब्रांच नलिकाकार पैरेलल रोज में व्यवस्थित रहती है, ये सिस्टर्नी है ये, और ये केंद्रक में चारों ओर परतें बना लेती हैं। सिस्टर्नी भी आमतौर पर जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है वहीं पर ही ज्यादा पाई जाती है। तीसरा है ट्यूबुल्स, नलिकाएं। ये छोटी चिकनी भित्ति वाली शाखित नलिकाएं होती हैं, ये जहां पर कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉइड और हार्मोन जैसे स्टेरॉइड संश्लेषण में जो कोशिकाएं सक्रिय होती हैं उनमें ये पाई जाती हैं, और ये कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरी रहती हैं, व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार से ये मॉर्फोलॉजिकली हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तीन स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन पार्ट में बांटते हैं, वेसिकल, सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स। वेसिकल्स और सिस्टर्नी जो है वो जहाँ पर जो प्रोटीन संश्लेषण में जो सक्रिय कोशिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती हैं, ये इस प्रकार से गोलाकार और इस प्रकार से होती हैं, और ये जो है लंबी ट्यूबुल्स के आकार की होती हैं। ये ब्रांच डेनिमित स्ट्रक्चर के रूप में होती हैं ट्यूबुल्स, जो कि कोशिका द्रव्य में यहाँ वहाँ बिखरी भी रहती हैं, और ये उन कोशिकाओं में पाई जाती हैं जो हार्मोन सिक्रीशन में पार्ट लेती हैं
या जो कोलेस्ट्रॉल और ग्लिसरॉल जैसे इनमें इनके सिक्रीशन में पार्ट लेती है, वहां पर हमें ये ट्यूबल्स जो है वो मिलती है। ये एक हमने स्ट्रक्चर लिया है जिसमें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख सकते हैं। इस प्रकार से हम इन दोनों में भेद कर सकते हैं कि किस प्रकार से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देती है। एक डायग्राम में ये जो केंद्रक है और जो केंद्रक की जो झिल्ली है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, उससे ये लगी हुई पाई जाती है। इस प्रकार से अटैच ये रहती है और ये यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर हम राइबोसोम्स को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह है वो झिल्ली है। ये गोल्गी एपरेटस है जिसके बारे में हम बाद में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियर एनवेलप है जो कि न्यूक्लियस को कवर किए हुए होता है। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियोलस। तो इसका हम स्ट्रक्चर जो है हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो मेन जो उद्देश्य है वो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक साथ कोशिका में देखने का है। इस डायग्राम में हम बाकी सेल इंक्लूजन्स को देख रहे हैं जिसमें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा गोल्गी एपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दीज आर सिक्रेटरी वेसल्स जो कि अलग अलग कुछ कुछ सिक्रेशन करती हैं कोशिकाओं में, जो कि कोशिका के उपापचय के लिए आवश्यक होता है। अब आते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम्स कौन कौन से हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबद्ध इस प्रकार ये कई सारे एंजाइम्स हैं, स्टीरेज, एनएडीएस साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, एनएडीएस डाइफॉस्फेरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज एंड न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। ये एंजाइम ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स, स्टीरॉइड्स, स्कॉर्बिक एसिड्स आदि के संश्लेषण तथा अन्य मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इसलिए हमें इन एंजाइम्स के बारे में जानना जरूरी है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या-क्या हैं, इसका किसकी क्यों जरूरत है कोशिका को। तो सबसे पहले है मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक आलंब। जो वेक्यूलर सिस्टम है, अंतःप्रद्यवी जालिका कोशिका को एक एक कोलाइडल मैट्रिक्स, कोशिका द्रव्य की कोलाइडल मैट्रिक्स को एक वो देती है, यांत्रिक एक सपोर्ट देती है, मैकेनिकल एक सपोर्ट देती है। सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों का आदान प्रदान। जो वेक्यूलर सिस्टम की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो परासरण के गुण के कारण कोशिका के बाहरी तथा भीतरी भागों में संश्लेषित और डिलीवर्ड पदार्थों के एक्सचेंज को रेगुलेट करती हैं। ये कोशिका में ऑस्मोटिक प्रेशर को भी नियंत्रित करती हैं। तो इस प्रकार से इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक ये पार्ट, एक फंक्शन है ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जिसमें जो कोशिका में बनने वाले पदार्थ और कोशिका में आने वाले जो पदार्थ हैं उनके आवागमन को नियंत्रित करती है और उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को ये नियंत्रित करती है। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तीसरा है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये तो था इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में। दिस इज इंट्रा सेलुलर यानी कि अंतरा कोशिकीय अभिगमन, जो मेम्ब्रेन फ्लो के माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान तथा इनके कोशिका द्रव्य प्रवाह में, अंतरा कोशिकीय द्रव्य प्रवाह में, जो उसका जो इंट्रा सेलुलर जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी अपने अंदर गतियां होती रहती हैं। तो इसमें जो है ये जो ये अंतःप्रद्यवी जालिका जो है एक ये परिसंचरण तंत्र की तरह कार्य करती है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कार्य करती है ये। नेक्स्ट आता है एंजाइम एक्टिविटीज एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कोशिकीय उपापचय तथा एंजाइम क्रियाशीलता। चिकनी अंतःप्रद्यवी जालिकाओं की जो जालिका की जो मेम्ब्रेन से जो संबद्ध अनेक एंजाइम है, हमने पहले बताया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ पाई जाती है, जहां पर की ये स्टेरॉइड्स, एंजाइम्स और ये हॉर्मोन्स जो है ये जहां पर मेटाबोलिज्म में पार्ट लेते हैं वहां पर ये पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस तरह से एंजाइमिक एक्टिविटीज एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी ये इसको सुनिश्चित करती है सुविधाजनक रूप से होने में।
नेक्स्ट आता है प्रोटीन सिंथेसिस। जो इसमें पाए जाने वाले राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में अत्यंत तो महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसकी सतह पर जो पॉली राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए की सक्रियता को बढ़ाकर प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, और प्रोटीन संश्लेषित प्रोटीन जो है वो अंतःप्रद्वी जालिका की जो ल्यूमेन होती है इसकी जो गुहिकाएं होती हैं उनमें ये संचित हो जाती है, और यहाँ से ये जो है जो संश्लेषित जो प्रोटीन है ये क्रमशः स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके द्वारा कोशिका के बाहर भेज दी जाती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण में जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये राइबोसोम्स को बियर करती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, उसके बाद में जो सिंथेसाइज जो प्रोटीन है उसको ये अपने अंदर संग्रहित करती है, और फिर उसके बाद में ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोल्गी बॉडीज की सहायता से इसको कोशिका के बाहर निकालने का काम करती है जहां पर इसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ये चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका जो है ये ग्लाइकोजन जहाँ पे इकट्ठा हुआ रहता है उससे ये उसको एंजाइम एंजाइमी विघटन द्वारा ये ग्लूकोज अवेलेबल कराती है। तो इस प्रकार से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ लिपो प्रोटीन। चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका में लिपिड का संश्लेषण होता है, ये हमने पहले भी देखा है जब हमने इसके बारे में देखा था। और जो खुरदरे अंतःप्रद्वी जालिका है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और इस प्रकार से जो संश्लेषित ग्लिसरॉइड और प्रोटीन जो है वो गोल्गी बॉडीज में जा करके और आपस में मिलके लाइपो प्रोटीन्स बनाते हैं। इस प्रकार से लाइपो प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन है उसकी जो सिंथेसिस है उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट आता है डिटॉक्सिफिकेशन। चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका द्वारा कोशिका से कई विषैले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है और कोशिका का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज एटीपी सिंथेसिस। जो इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिज्म और पदार्थों के परिसंचरण के लिए जो ऊर्जा एटीपी से मिलती है, कोशिका में एटीपी का जो सिंथेसिस होता है वो अंतःप्रद्वी जालिका में होता है। नेक्स्ट इज इंट्रा सेलुलर इम्पल्स कंडक्शन, संवेगों का अंतः कोशिकीय संचरण। पोर्टर ने अंतःप्रद्वी जालिका की कला में आयन ग्रेडियंट तथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने की संभावना व्यक्त की है जिसके कारण इम्पल्सेस का अंतः कोशिकीय संचरण होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अदर साइटो मेम्ब्रेन्स। अन्य कोशिकीय कलाओं के निर्माण में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना योगदान देती है, जैसे अंतःकोशिकीय कलाएं जैसे केंद्रक कला, गोल्गी मेम्ब्रेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो अंतःप्रद्वी जालिका से होता है। और नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मैसेजेस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक मैसेजेस। कोशिकीय आनुवंशिकी संदेशों का अभिगमन, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांगों तक आनुवंशिक पदार्थों का तथा संदेशों का अभिगमन जो है वो अंतःप्रद्वी जालिका के माध्यम से होता है। इन संदेशों के द्वारा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों के मेटाबॉलिज्म का नियमन होता है, उसका रेगुलेशन होता है। इस प्रकार से जो है अंतःप्रद्वी जालिका की जो ये फंक्शंस हैं ये हमारी जो सेल की जो कार्य प्रणाली है उसके लिए ये अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट इज बायोजेनेसिस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति का निश्चित जो स्रोत है और इसकी जो मैकेनिज्म है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी उत्पत्ति को हम फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला से इसकी उत्पत्ति को हम समझ सकते हैं। अंतःप्रद्वी कलाओं की केंद्रक कला तथा प्लाज्मा कला से समानता के कारण अनुमान लगाया गया है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो केंद्रक कला से बने इवेजिनेशन से हुई होगी, बहिर्वलन से हुई होगी। कोशिका विभाजन की टेलोफेज में
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पुनर्निर्माण में अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो भागीदारी है वो इसके हिसाब से अवधारणा की पुष्टि करती है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका का जो निर्माण है वो किससे हुआ होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हुआ होगा। और दूसरी इसके बारे में धारणा है कि इसके जो निर्माण में है वो मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है। अनुमान है कि कणिका में या खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्रमिक परिवर्तनों के बाद चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका तथा गोलगाई कॉम्प्लेक्स के रूप में रूपांतरित हो गई। पहला रूपांतरण में होने वाले रासायनिक तथा संरचनात्मक परिवर्तनों को हम मेम्ब्रेन डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार से हमने आज अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने विस्तार से जाना, जिसमें हमने जाना कि इसका परिचय, इसके बाद में साइटोप्लाज्म को हमने डिवाइड करके और हम ऑर्गेनेल्स तक पहुंचे। इसके बाद में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमने दो प्रकार की पाई, इसको एसईआर और आरईआर। इसके बाद में हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी, वेसिकल सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स। देन हमने एक ही डायग्राम में स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में एक कोशिका में देखा। इसके बाद में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंजाइम्स कौन कौन से हैं और ये किस में काम आते हैं ये देखा, और उस अंत में हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या क्या हैं और इसका बायोसिंथेसिस के लिए क्या क्या अवधारणाएं जो हैं वो। इस प्रकार से आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विस्तृत अध्ययन किया है। मैं समझती हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।